Hello students, in this video today I am going to teach you the central idea of the poem Character of a Happy Life and the three major important explanations which were written by me. I have produced to you. So first I am coming to the central idea of the poem, which is very important for the board students this year also. First I am coming to the central idea of the poem is the central idea poem Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. This is very important. So first I am coming to the central idea. The central idea of the poem Character of a Happy Life is a didactic piece of poetry composed by Sir Henry Wotton. तो किसके बाद कंपोज की गई? सर हेनरी वॉटन. फिर सेमीकोलन, अ स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी इज अ ग्रेट अपील टू किसके लिए ग्रेट अपील उन्होंने की है? द इंडियन रीडर्स टू एडॉप्ट सम क्वालिटीज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, righteousness, honesty, truth. honesty के बाद दिया गया है truth, simplicity, faith, carefreeness and self-contentment to be a truly happy man. According to the poet, a happy man should be independent. Poet के अकॉर्डिंग बताया गया कि happy man कैसा होना चाहिए? Should be independent होना चाहिए, honest and truthful होना चाहिए. He should be free from jealousy, ill will and worldly anxieties. He should be very careful. He should be very careful of flattery and rumors. उसे कैसा होना चाहिए? Should be free, very careful होना चाहिए, बहुत ही सावधान होना चाहिए flattery चापलूसी के लिए और rumors अफवाहों के लिए. Next line पर, He should pray to God daily for godly merits. No, next line, A happy man depends upon the voice of his conscience. He passes his time in the company of good books and friends. He does not care for rise and fall. वो परवाह नहीं करता राइज और फॉल की. He is the master of himself. Contentment and self-respect are the greatest qualities of his character. That's why he may be poor, but morally he is always great. Morally he is always great. तो इस सेंट्रल आइडिया में पोएट ने बताया है कि उन्होंने बताया है कि एक जो है हैप्पी कैरेक्टर चरित्र वाला व्यक्ति जैसा है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला होना चाहिए, केयरफुलनेस होना चाहिए और बहुत ही कंटेम्प्ट वाला होना चाहिए. दूसरे के प्रति उसकी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए और जो लोग उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं वो उससे बहुत ही दूर रहता है. वो किसी भी प्रकार के जीवन में उत्थान या पतन के बारे में कभी भी भयभीत नहीं रहता है और वो हमेशा अच्छे कार्यों को करता है और अपने समय को सदैव अच्छी पुस्तकों के द्वारा अथवा अच्छे मित्रों के द्वारा ही व्यतीत करता है. उसे जीवन में उत्थान या पतन होने का कभी भी भय नहीं रहता है और वो सदैव अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट करता है,
और कंटेंट में संतुष्टि को प्राप्त करता है, तो अच्छे गुणों को हमेशा रखता है और अच्छे चरित्र को बनाए रखता है। तो इस पोएम में, इसके लिए आप पहले वाली वीडियोस पर जाकर के मेरी कैरेक्टर ऑफ एपिलाई में पूरी पोएम को पढ़ सकते हैं। तो नाउ आई एम फर्स्ट कमिंग टू द फर्स्ट स्टेंजा फॉर द एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा इज हाउ हैप्पी से लेकर के डॉट 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 हिज अस्टमोस्ट स्किल तक। फर्स्ट आई एम कमिंग टू द पीस। तो नाउ आई एम कमिंग टू द स्टेंजा फॉर राइटिंग। इसमें दिया हिंट या पीस, हाउ हैप्पी इज ही से डॉट डॉट स्किल तक। तो फर्स्ट रेफरेंस, रेफरेंस आप जैसे पहले लिखा है उसी तरीके से लिख सकते हैं। या दिस बिगनिंग टेक्स्टिव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और डायडेक्टिक पीस ऑफ पोइट्री कंपोज बाई सर हेनरी वॉटन, अ स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th century। ये पूरा आप उसी तरह लिख सकते हैं जैसे आपने पहले याद किया, उस तरह भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इन दिस स्टैंजा द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन, ट्रूली हैप्पी मैन एंड इंस्पायर्स अस टू अडॉप्ट अ वे ऑफ लाइफ मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन की ओर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द पोएट। एक्सप्लेनेशन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ अ मैन वॉन्ट्स टू लिव इन अ लाइफ हैप्पीली ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बिकॉज अ हैप्पी मैन इज नॉट अ स्लेव ऑफ एनी बडीज विल। बिकॉज अ हैप्पी मैन इज नॉट स्लेव ऑफ एनी बडीज विल, ही इज क्वाइट फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। ही इज क्वाइट फ्री फ्रॉम QUITE, क्वाइट फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। ही इज ऑनेस्ट इन हिज थॉट्स एंड एक्शन। ही यूजेस ट्रूथ जस्ट लाइक हिज ग्रेटेस्ट स्किल एंड इज ऑलवेज सेफ, एंड विच इज ऑलवेज सेफ। मतलब ये क्या चीज़ जो है, जो उसके पास जो है वो कैसी है, विच इज ऑलवेज सेफ। हिज ऑनेस्ट थॉट्स प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी रिस्क, प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी रिस्क, RISK रिस्क। इन हिज लाइफ दे वर्क जस्ट लाइक अ सवेरियर, संरक्षक या रक्षक या उद्धारकर्ता, SAVIOUR सवेरियर। ही डज नॉट नीड एनी आर्मर फॉर हिज सेफ्टी बिकॉज हिज सेफ्टी बेस्ड ऑन ऑनेस्ट नोबल एंड ट्रूथफुल। ये पोयम पहले स्टेंजा में बताया गया है। तो इस स्टेंजा में कवि ने हमें यह बताया क्या है कि जो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन है उसका जीवन बहुत इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, ईमानदारी से होता है, सत्यवादी के रूप में होता है, सत्य को बोलने वाला होता है, क्योंकि वो एक हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति है, और वो कभी भी किसी भी प्रकार की किसी इच्छाओं का वो गुलाम नहीं होता है, और वो किस हर चीज़ों से स्वतंत्र रहता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होते हैं। ईमानदारी उसका सबसे अच्छा रक्षक कवच है, और उसके द्वारा सब कहे गए एक से एक बोले गए वाक्य ही उसकी सत्यवादिता के प्रतीक है, सिंबल है। ईमानदारी के द्वारा ही उसके सभी प्रकार के कार्य होते हैं, और वो जो है कभी एक महान स्किल को सेफ्टी के लिए ही हमेशा यूज़ करता है। ईमानदारी और अच्छे विचार ही उसके जीवन में सदैव बने रहते हैं, किसी प्रकार से वो ये सभी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो सब उसके रक्षक के रूप में प्रयोग करती हैं। ऐसे मैंने पोयम में पहले भी सब बताया है, तो उस वीडियो पर जाके आप पूरी पोयम को एक्सप्लेन के द्वारा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोयम। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर हम लोग चल रहे हैं, स्टेंजा नंबर 2 के लिए। इस पोएम में अगर आप देख रहे हैं तो इस पोएम में जो है क्या पोइटिक ब्यूटी का भी यूज़ किया गया है, थोड़ा सा पोइटिक ब्यूटी की ओर चलते हैं। तो पोइटिक ब्यूटी क्या है, जैसे इसमें पहले मैंने बताया था पहले कई वीडियो में है, द हेयर इज द ब्यूटीफुल यूज ऑफ द मेटाफोर इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट से लेकर डॉट डॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल।
इसमें क्या है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है एंड लैंग्वेज और स्टाइल, लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, स्टाइल इज वेरी क्लियर, यू कैन ऑलरेडी वॉच इट। अब हम लोग आ रहे हैं स्टैंजा नंबर नेक्स्ट पर, हुज पैशंस से लेकर के ब्रीथ तक। स्टैंजा नंबर टू है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंस लवर वर्गर ब्रीथ। इस स्टैंजा की ओर हम लोग चल रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम लोग चल रहे हैं स्टैंजा की ओर। स्टैंजा हमारा क्या है, वही उस पैशन से लेकर ब्रीथ तक। तो रेफरेंस आपने जैसे लिखा है सेम उसका एज एबव, या जैसा जो आपको याद है उसी तरह। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कॉन्टेक्स्ट की ओर। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, हेयर इन दिस स्टैंजा द पोएट इंस्पायर्स अस, हमें प्रेरणा पोएट दे रहा है टू हैव फुल कंट्रोल ओवर हिज पैशंस, कि हमें अपनी इच्छाओं पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रखना चाहिए। एंड इमोशंस, जो हमारे अंदर इमोशन है, भाव हैं उनको। एंड नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ एनीथिंग, टू बी हैप्पी इन रियल सेंस इन आवर लाइफ, कि जो हमारे जीवन में चीज़ें हैं, सेंसेस हैं, वास्तविक सेंसेस हैं समझने के लिए, उनको हमें उनके द्वारा हमें प्रसन्न हो जाना है, उनसे भयभीत नहीं होना है। तो इस पोएट में पोएट उन्हीं चीज़ों को बता रहा है। अब एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इज, सर हेनरी वॉटन सेज डैट अ हैप्पी मैन इज ही हु इज फ्री फ्रॉम जेलसी एंड वर्ल्डली एंजाइटी। सर हेनरी वॉटन ये कहते हैं कि एक हैप्पी मैन वही है जो इस संसार में विभिन्न सांसारिक चिंताओं से और ईश्वरों से स्वतंत्र है। ही हैज़ अ ग्रेट कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस एंड पैशंस, वो ना उसका जो अपने आप पे पूरा अपनी की भावनाओं पर और इच्छाओं पर पूर्ण रूप से उसका नियंत्रण है, महान नियंत्रण है। बिकॉज ही नोज वेरी वेल, क्योंकि अच्छी तरीके से जानता है, डैट दीज आर द ओनली काज ऑफ सैडनेस, क्योंकि ये जानता अच्छी तरीके से, वो जानता है कि ये सभी कारण क्या है, उदासी के कारण है। ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मृत्यु से भय नहीं है, एज ही क्योंकि ही इज अवेयर ऑफ हिज फैक्ट, क्योंकि वो इस प्रकार के तथ्य से अवेयर है, उसको सचेतता, वो अवेयर सत्य को वो जानता है। तो क्या है, एज ही इज अवेयर, ए डब्ल्यू ए आर ई, अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट डेथ इज इनएविटेबल, वो जानता है कि डेथ इनएविटेबल है, आई एन ई वी आई टी ए बी एल ई, इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। एंड इट विल कम श्योरली एंड Certainly to everyone at an appointed hour, वो जानता है कि ये निश्चित रूप से है ना सभी के लिए आएगी, और ये निश्चित समय सब कहता है, सभी को इसमें आना ही है, इसमें अपॉइंटेड समय जिसका घंटा दे दिया गया उसको उस समय पर आना जरूर है, उसके लिए मृत्यु को आना जरूर है, इसलिए वो कभी भी चीज़ों से भयभीत नहीं होता है। ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी फियर एंड फेवर, F A V O U R, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता भय से, ना ही फेवर पक्ष में। दस ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, इसलिए वो अफवाहों से स्वतंत्र है, RUMOURS, वो र्यूमर से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हिज एनिमीज, शत्रु, उसके शत्रु कैन गेट नथिंग बाई हिज लॉस, उसके शत्रु उसके द्वारा नुकसान हो जाने पर किसी भी प्रकार को उसको कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसका जितना भी नुकसान हो उसका कभी भी शत्रुओं के द्वारा उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता है। सच अ पर्सन गेट्स ट्रू हैप्पीनेस, इसी प्रकार का व्यक्ति वास्तविक में सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो पोएट एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में इंक्लूड कर रहा है कि किस प्रकार की वास्तविक सुंदरता होनी चाहिए, हैप्पीनेस प्रसन्नता होनी चाहिए, तो वो उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट पैसेज है। तो आई एम लास्ट कमिंग टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा नाउ, इसका पोएटिक ब्यूटी में एक पॉइंट हम आपको और दिखा रहे हैं अभी फर्स्ट। तो दिस इज द पोएटिक ब्यूटी एक्सप्लेन में हम लोग चल रहे हैं पोएटिक ब्यूटी के लिए कि क्या है। हेयर इन द हेयर इज द ब्यूटीफुल यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आल्सो इन द फर्स्ट टू लाइन्स। लाइन्स कौन से हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर,
whose soul is still prepared for death. इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर का पूरी तरीके से पोएट के द्वारा कम्प्लीटली यूज़ किया गया है, तो पोएट इन्हीं चीज़ों को बता रहा है। और बाकी वो लैंग्वेज और स्टाइल आपको तो 3 पॉइंट से ज़्यादा मैक्सिमम पोएटिक ट्रेट्स नहीं लिखने हैं, पोएटिक गुड्स या क्रिटिकल अप्रिसिएशन नहीं लिखना है। अब हम लोग आए सबसे लास्ट स्टेंजा व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स और होप टू राइज ऑफ यू टू फॉर लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब इन चार लाइन्स को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए आगे आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो रेफरेंस पहले हम लोग हिंट लिखेंगे या पीस लिखेंगे, इसी तरह से सेम उसी तरह लिखते चले जाएंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम से ही हैथ ऑल तक, तो रेफरेंस एज एवो, जैसे आपने वो लिखा पहले एज गिवन बिलो या एज गिवन एवो एज रिटन एवो। तो कॉन्टेक्स्ट हेयर इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा, क्योंकि लास्ट का कंक्लूडिंग अंतिम स्टेंजा में द पोएट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट कंटेंटमेंट संतुष्टि एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्म सम्मान और द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ और रियली हैप्पी मैन, और जो हैप्पी मैन क्या एक अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या ये क्वालिटीज़ को होना बहुत ज़रूरी है कि तभी वो एक संतुष्ट व्यक्ति अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति ही बन पाएगा। अब नाउ हम लोग आर कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन रिटन इज हेयर, एक्सप्लेनेशन इज दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट अ ट्रूली हैप्पी मैन इज रिच इन हर्ट, हर्ट के द्वारा एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ ऑल्दो ही हैज नो वर्ल्डली पोजेशंस, क्योंकि उसके पास सांसारिक संपदाएं नहीं होती तब भी वो अपने आप में ही स्वयं में संतुष्ट होता है और स्वयं का ही वो मालिक, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का ही मालिक होता है। वो वास्तविक सच्चा व्यक्ति वही है जिसके अंदर ये सभी ट्रेट्स हैं। इट इज सो बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि ही हैज कंटेंटमेंट, उसके अंदर क्या है, कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, विच इज सरपासिंग जो उसके साथ प्रतीत हो रही ऑल वेल्थ, संपदा के रूप में उसको व्यतीत करा रही, उसके साथ व्यतीत हो रही है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज पोजेशंस, ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, दैट इज व्हाई ही मे बी परफेक्ट ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस, बट द क्वालिटीज ऑफ हैप्पीनेस दैट ही हैज मेड him the richest person of the world, जो ये अंदर उसके अंदर जो वर्ल्डली सांसारिक क्वालिटीज़ हैं ये क्या है, उसको एक हैप्पीनेस बनाती है। लेकिन जो उसके अंदर जो ये गुण है, एक अच्छे चरित्र, एक richest person के तरीके से उसके अंदर ये गुण सांसारिक उसको richest person के रूप में रेडी करते हैं, डेवलप कराते हैं। सच अ हैप्पी मैन मे बी पुअर इन वर्ल्डली वेल्थ बट ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस। अब पोएट वही बता रहा है कि सच अ हैप्पी पर्सन, वास्तव में एक सच्चा व्यक्ति वही है, मे बी पुअर चाहे वो गरीब भी हो सांसारिक संपदाओं पर, लेकिन ही इज द मास्टर ऑफ ऑल, लेकिन वो वास्तव में स्वयं का मालिक, इस संसार का मालिक हो जाता है वास्तव में ट्रू सेंस में उसको अगर देखा जाए तो, जिसके अंदर कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, जीवन संतुष्ट है, अच्छे चरित्र वाला है। तो चाहे वो यद्यपि जमीन का मालिक हो चाहे ना हो, भूमि का मालिक हो चाहे ना हो, फिर भी मगर वो स्वयं का मालिक होता है यदि उसके अंदर संतुष्टि है तो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए इस सप्ताह। तो नाउ आई एम कमिंग द पोएटिक ब्यूटी ऑफ दिस स्टैंजा। तो यू हैव ओनली राइट 3 मेन पॉइंट्स। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, पॉइंट 2 द स्टाइल ऑफ द राइटिंग ऑफ द पोएम इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। पॉइंट नंबर थ्री हम लिख सकते हैं ऑल द अदर्स एज गिवन बिलो, हेयर इज द ब्यूटीफुल यूज ऑफ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ हिज पीस इन द लास्ट लाइन, कौन सी लास्ट लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग कुछ भी न रखते हुए, ही है थाल उसके पास सब कुछ है। तो पोएट ने बताया था इस पोएम में कि उसके पास कुछ ना होते हुए, अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उस व्यक्ति के पास संतोष है तो उसके पास सब कुछ है। तो इस पोएम में पोएट ने हमें यही अवेयर किया है, सचेत किया है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि रखनी चाहिए, लोगों की कटु आलोचनाओं विशेषताओं पर ध्यान
नहीं देना चाहिए, प्रसन्नताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठगों के संपन्न पर साथ नहीं देना चाहिए, अपना समय अच्छी पुस्तकों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ ही व्यतीत करना चाहिए और जीवन में सदैव संतुष्टि ही रखनी चाहिए और अपने मस्तिष्क का बैलेंस सदैव बनाए रखना चाहिए। तो इस पोयम के 3 स्टैंडर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इन स्टैंडर्ड को स्टूडेंट्स कैन राइट एंड लर्न फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड सेंट्रल आइडिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टूडेज, थैंक यू।